श्वास प्रश्वास, दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ पेट पर। श्वास भरो और पेट फुलाओ, श्वास छोड़ो और पेट अंदर। श्वास भरो और पेट को फुलाओ, श्वास छोड़ो और पेट अंदर। इसी तरह करते जाओ। हाँ, पर ध्यान रहे, जब भी आप श्वास भरो तब आपको पेट फुलाना है और जब भी आप श्वास छोड़ो तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जिस तरह से हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है ना, और जब हम गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। हमारे शरीर के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो पेट फूलता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट पिचकता है। लाभ, इससे आपको सही तरह से श्वसन करने की आदत होगी और कई बीमारियां आपके पास भी नहीं आएंगी। इसके अलावा योगाभ्यास और प्राणायाम में भी आसानी होती है। आजकल तो कई बच्चों को दमा या कड़ी सर्दी की परेशानी होती है। बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या फिर बहुत चंचल होते हैं। इन सब पर काबू करने के लिए सही तरह से श्वसन करना बहुत जरूरी है।